हेलो एवरीवन, ऑटोमेटा सीरीज के लेक्चर नंबर 11 में आपका स्वागत है। पिछले कुछ लेक्चरों में हम लोगों ने पढ़ा था कि एनएफए क्या होता है, डीएफए क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग एनएफए को डीएफए में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं कि बेसिक में क्या है। जैसे एवरी डीएफए इज एन एनएफए बट एवरी एनएफए इज नॉट डीएफए। इसमें ये कहा गया है कि हर एक डीएफए एनएफए हो सकता है, लेकिन हर एक एनएफए डीएफए नहीं होगा। अभी क्यों नहीं होगा ये अभी मैं आपको बताता हूं नीचे। बट एवरी एनएफए कैन बी चेंज इन इक्विवेलेंट डीएफए। लेकिन हर एक एनएफए को हम लोग उसके इक्विवेलेंट डीएफए में चेंज कर सकते हैं। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है। पता है कि हर एनएफए डीएफए नहीं हो सकता, लेकिन एनएफए को हम लोग किस में चेंज कर सकते हैं, उसके डीएफए में, इक्विवेलेंट डीएफए में चेंज किया जा सकता है। हर एक एनएफए और डीएफए में 5 टपल होते हैं, हम लोग जानते हैं। एवरी एनएफए एंड डीएफए हैव 5 टपल्स। ओनली 1 टपल इन बोथ आर डिफर। केवल और केवल पांचों टपल में से 4 तो सेम रहेंगे दोनों में, एनएफए और डीएफए में, लेकिन एक जो टपल होगा वो डिफर होगा। वो टपल कौन सा होगा? आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में कि एनएफए में कितने टपल्स होते हैं और हर एक टपल का मतलब क्या होता है। इसी तरीके से इसमें भी एक जो टपल होगा वो डिफर होगा पांचों टपल में से, दोनों में से। तो वो टपल कौन सा है? वो है हमारा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फंक्शन। तो डीएफए में क्या होता है, जो सिग्मा क्यू इंटू सिग्मा गिव्स अप क्यू। डीएफए में क्या देता है, जब Q का, यानी Q मतलब यहाँ पे क्या है, Q यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ये नंबर ऑफ स्टेट्स, और सिग्मा क्या है, नंबर ऑफ इनपुट्स। तो जब हम लोग किसी एक स्टेट का एक इनपुट देंगे, वो किसी एक दूसरे स्टेट में जाएगा। सेम ऐसे ही एनएफए में भी होता है। इसमें Q का अगर, मतलब Q मतलब क्या है, नंबर ऑफ स्टेट्स का अगर कोई इनपुट देते हैं, तो वो 2 की पावर क्यू हमको स्टेट्स प्रोवाइड करता है। 2 की पावर क्यू का मतलब हो गया ये कई सारी स्टेट्स हो सकती है, मतलब 2 की पावर, जैसे मान लो अगर नंबर ऑफ स्टेट्स 2 है, तो हम लोगों को 4 स्टेट, मतलब कि नहीं बताया था आपको एनएफए में कि वो रैंडम मूव करता है। इट मे बी पॉसिबल कि वो अगर एक इनपुट देते हैं तो वो दो दो स्टेट में भी जा सकता है। 0 देने पर वो ए पे भी रह सकता है और 0 देने पर वो बी पे भी जा सकता है। तो मैंने आगे भी दिया है कि एनएफए को इक्विवेलेंट डीएफए में चेंज किया जा सकता है, लेकिन हर एक डीएफए जो होता है वो एनएफए होता है, लेकिन हर एक एनएफए डीएफए नहीं होता। हर एक एनएफए को इक्विवेलेंट डीएफए में चेंज कर सकते हैं। तो पहले एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग किसी भी एनएफए को इक्विवेलेंट डीएफए में चेंज करेंगे। ओके, सो पहले एग्जांपल में क्या दिया गया है, पहले एग्जांपल में हम लोगों को लैंग्वेज गिवन है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर 0.1 दैट स्टार्ट्स विद 0। हमको सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग, मतलब जितनी भी स्ट्रिंग है उनका सबका सेट लेना है। 0.1 क्या है, इनपुट जो कि स्टार्ट होगा किससे, 0 से। तो सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 0.1, यही तो हम लोगों की इनपुट है। ठीक, अब सबसे पहले उसका एनएफए बना लेते हैं। हमारा मेन मकसद क्या है, हमको डीएफए में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले इसका एनएफए बना लेते हैं जो कि स्टार्ट होता हो 0 से। तो इनिशियल स्टेट दे दी, इस पे 0 दिया तो वो स्टेट कहां चली गई, बी पर, और यही क्या हो गया, फाइनल। क्योंकि हमें केवल क्या करना था, हमारा स्टार्ट किससे होना था, 0। इसीलिए मैंने ए पर कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हमने स्टार्ट किससे किया है, 0 से किया है, और वो कहां पहुंच गया, बी पर, यानी ये क्या होगी, फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट पे हम चाहे जो भी दे दें, 0.1 दे दें, तो ये कहां रहेगा, यहीं पर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आया। तो ये हम लोगों ने एनएफए इसका कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब इसका स्टेट ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। स्टेट ट्रांजिशन टेबल में क्या होगा, हम लोगों ने ये हम लोगों की स्टेट हो गई और ये क्या हो गए, इनपुट्स। अच्छा, हम लोग स्टेट ट्रांजिशन टेबल क्यों बना रहे हैं, स्टेट ट्रांजिशन टेबल इसलिए बना रहे हैं क्योंकि केवल एक ही टपल जो था वही डिफर था, कौन सा, ट्रांजिशन फंक्शन। इसीलिए हम लोग इसमें क्या बना रहे हैं, स्टेट ट्रांजिशन टेबल बना रहे हैं। इसमें क्या, अगर हम लोगों ने एक स्टेट ए ले ली, उस पर अगर इनपुट 0 दे रहे हैं, तो ए स्टेट पर इनपुट 0 दे रहे हैं, वो कहां जा रहा, बी पर पहुंच गया। स्टेट ए पर अगर 1 इनपुट दिया,
स्टेट ए पर वन इनपुट दे रहा है, तो ये क्या कहीं जा रहा है? यहाँ पे हमने कुछ दिखाया नहीं ना कि कहाँ जा रहा है ये, तो ये हम लोगों ने क्या दे दिया, फाई। फाई क्या था, पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया डेड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बी पर अगर हम लोगों ने जीरो दिया वो कहाँ जा रहा है, बी पर ही जा रहा है, ये देखिए। और बी पर अगर वन दे रहे हैं कहाँ जाएगा, बी पर ही जाएगा। तो ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल किसके लिए हो गई, एनएफए के लिए। ये स्टेट ट्रांजिशन टेबल किसके लिए है, एनएफए के लिए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी से स्टेट ट्रांजिशन टेबल से पहले हम लोग स्टेट ट्रांजिशन टेबल फॉर डीएफए बनाएंगे। ओके, सबसे पहले इसका कन्वर्जन किसमें करेंगे, इसमें कन्वर्जन करेंगे। समझ आया, ठीक है, करते हैं। कुछ नहीं, बिल्कुल सेम इसको देखते हुए बनाते चलते हैं। ठीक है, ए इनपुट था, ले लिया ए। ओके, जब इसमें जीरो दिया तो जीरो में ये कहां जा रहा था, बी पर जा रहा था। ठीक है, जीरो पे ये कहां चला गया, बी पर चला गया। ए पर अगर वन दे रहे थे तो वो फाइव पे जा रहा था, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा हुआ है कि डीएफए में कभी भी कोई फाइव नाम की चीज ही नहीं होती है, वो केवल वहां पे, यहाँ पे एनएफए में क्या होता है, डेड कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से डीएफए में होता है डेड स्टेट। तो हम लोगों ने एक ऐसी स्टेट ले ली जो कि क्या होगी, डेड स्टेट होगी। डेड स्टेट का मतलब क्या होगा कि वो वहीं पे उसको ट्रैप कर लेगा, फिर वो वापस लौट के अपनी ना ही इनिशियल स्टेट में जा सकता है, अपनी अपने से पिछली प्रीवियस स्टेट में जा पाएगा, और ना ही वो फाइनल स्टेट की ओर मूव कर सकेगा। तो हम लोगों ने इसको डेड स्टेट दे दिया। तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइव की जगह हमने एक ऐसी स्टेट ले ली जो कि सी थी, जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, डेड स्टेट। अब ए से दो स्टेट जा रही है, दो स्टेट कौन कौन सी, बी और सी। अब बी, अब इन्हीं दोनों में से किसी एक को चूज करना, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर मशीन को आपने चालू कर दिया, आपने मान लीजिए इनपुट जीरो दिया, तो आप कौन सी स्टेट पे पहुंच गए, आप बी पे पहुंच गए, या आपने इनपुट दे दिया वन, तो किस स्टेट पे पहुंच गए, सी स्टेट पे पहुंच गए। तो अब आगे जो डिफाइन होगी वही बी और सी तो डिफाइन कर पाएंगे आप, अब ऐसा तो नहीं कोई अलग से स्टेट लेके डिफाइन कर देंगे, नहीं ना। तो अब बी हम लोगों ने ले लिया, अब बी को डिफाइन किया। ठीक, बी में अगर जीरो दे रहे हैं तो इसमें देखिए जरा, बी में अगर जीरो दे रहे हैं वो कहां जा रही है, बी में जा रही है। तो बी में अगर जीरो दे रहे हैं तो बी में आ गया, बी में अगर वन दे रहे हैं तो कहां जाएगा, तो बी में वन दिया, वन आ गया। क्या ये कंप्लीट हुआ, अभी नहीं कंप्लीट हुआ, क्यों, क्योंकि डीएफए में हर एक स्टेट का हम लोगों को ट्रांजिशन शो करना पड़ता है। तो अभी हमारा जो सी था, जो कि डेड स्टेट था, उसका ट्रांजिशन शो करना बाकी है। तो सी का हम लोगों ने शो किया, तो सी में ये डेड स्टेट है, तो जहां पे भी होगा, चाहे वो जीरो दो चाहे वो वन दो, वो उसी जगह ट्रैप हो जाएगा, मतलब सी पे ही रह जाएगा। अब इसी ट्रांजिशन टेबल की मदद से हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, डीएफए कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो अब डीएफए कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये देखते हैं। तो अगर हम लोगों ने ए पर जीरो दे दिया, ए कैसा है, इनिशियल स्टेट है, ये कैसा स्टेट है, इनिशियल स्टेट है। तो ए पर हम लोगों ने क्या कर दिया, एरो दे दिया। और इसमें फाइनल स्टेट कौन सा है, इसमें फाइनल स्टेट बी था, तो इसमें भी फाइनल स्टेट बी था, तो इसमें भी बी आएगा, मतलब जहां जहां बी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल स्टेट। उसको हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि ए पे अगर हम लोग जीरो दिया, तो ए पर जीरो देने पे वो कहां जा रहा है, बी पर, ये देखिए पहुंच गया। ए पे वन दे रहा है कहां जा रहा है, सी, देखिए ए पे वन दिया, सी पे पहुंच गए। ठीक, अब बी पे जीरो दे रहा है कहां जा रहा है, बी पे जीरो दे रहे, बी पे ही जा रहा है। अब अगर बी पे वन दे रहे हैं तो कहां जा रहा है, बी पर ही जा रहा है, देखो बी पे वन दे दिया कहां जा रहा है, बी पर ही जा रहा है। सी पर अगर जीरो दे दिया कहां जा रहा है, वो सी पर जा रहा है। और अगर सी पर वन दे रहे हैं तो वो कहां जा रहा है, वापस सी पर ही जा रहा है, क्योंकि ये कैसी थी, डेड स्टेट। तो ये हमारा एनएफए से, ये जो हम लोगों ने शो किया था, ये जो एनएफए था, तो इस एनएफए से हम लोगों ने इक्विवेलेंट ये डीएफए बना लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर कोई आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज आप इसमें कमेंट भी कीजिए, आपको हमको बताइए, तो हम लोग इसको सुधारेंगे। और आपको इस लेक्चरों में से कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।